શહેરમાં વૃદ્ધો અને મહિલાઓની મદદ માટે અમદાવાદ શહેર પોલીસે ખાસ આયોજન કર્યું છે. ખાનગી સંસ્થાની મદદથી શરૂ કરાયેલ પોલીસ હાર્ટ નામની એપ્લિકેશનને લોકોની મદદ માટે ઉપયોગ કરવાનો પ્લાન શહેર પોલીસે ઘડ્યો છે. આ સેવા માટે 1001 નંબર પર ફોન કરી મહિલા કે વૃદ્ધો તેના તેમજ તેમની નજીકના લોકોના ફોન નંબરની નોંધ કરાવશે. ત્યારબાદ જે વ્યક્તિને મદદની જરૂર હોય તે મુશ્કેલીના સમયમાં આ હેલ્પલાઇન પર માત્ર ફોન કરે તો તેની જાણ તેના રજીસ્ટ્રેશન કરાવેલા નંબર પર પહોંચી જશે અને મુશ્કેલીના સમયમાં તે મેસેજ પોલીસને પણ જવાનો છે. તેથી તકલીફમાં હોય તે વ્યક્તિને નજીકના પોલીસ મથકેથી સત્વરે મદદ મળે તે માટેના પ્રયાસો થશે. શહેર પોલીસ કમિશનર એસકે સાઇકિયાએ કમિશનર કચેરીમાં ખાસ સુરક્ષા સેતુ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત માટેનું સેન્ટર શરૂ કર્યું હતું. हर एक जो औरत है, लड़की हो, स्कूल कॉलेज जाते हुए है, जो अकेली है, किसी को भी तकलीफ हो, 1091 करके मेरी वुमेंस हेल्पलाइन जो हमने खोल के रखा है पुलिस स्टेशन में कंट्रोल रूम में, उस नंबर को फ़ोन करें तो तब हमको उनका लोकेशन का एक आभास होता है कि फ्रॉम दी सर्विस प्रोवाइडर से कि वो कहाँ अप्रॉक्सीमेट लोकेशन कहाँ है, कि हमें पूरे सिटी में ढूंढना नहीं पड़े. फिर उनके 10-1 उनका फ्रेंड्स हो या तो फैमिली मेम्बर्स हो, उनको मैसेज चला जाता तो इमीडिएटली जिस मैसेज के आधार पर लोगों को पता चलता है कि उनकी लड़की या तो उनका फ्रेंड कहीं उनका तकलीफ हो रहा है तो वो भी अपना मेहनत करें उनको ढूंढने के लिए, उनको लोकेट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए. कि कोई भी औरत हो, कोई भी लड़की हो, आके वो रजिस्टर करें, अपना मोबाइल नंबर दे दें, उनके फ्रेंड्स का मोबाइल नंबर दे दें, तब तक वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और फिर उनको सुरक्षित महसूस इमीडिएटली फील होते हैं कि उनका अभी कोई है सुनने वाला. कि कुछ हो गया तो मैंने बताया ना कि जैसे फ़ोन कर दो तो हमको भी पता चलेगा, उनके फ्रेंड्स को भी पता चलेगा, उनके माँ बाप को भी पता चले, फिर फैमिली को पता चले. सीनियर सिटीजन्स का एक इशू है, सीनियर सिटीजन्स पुलिस हमेशा चिंतित है कि जो सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं, पर्टिकुलरली जो फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, भाई अगर लड़के लड़की या तो उनके साथ जो जॉइंट फैमिली में ना हो, अकेले रहते हैं, उनके वल्नरेबल होते हैं. तो यहाँ पर रिसेंटली एक इंसिडेंट बना भी है कि कोई ग्रिल लगाने आया तो देखा कि औरत और अकेले हैं, उनको मर्डर करके चले गए. ऐसा इंसिडेंट ना बने उसके लिए हमने बहुत पहले से अहमदाबाद सिटी में सीनियर सिटीजन्स का पुलिस स्टेशन वाइज हमारे पास रिकॉर्ड क्रिएट करने का हम कोशिश कर रहे हैं, डेटा बैंक हम बना रहे हैं, लेकिन डेटा बैंक पूरा नहीं हो पा रहा है फॉर वेरियस रीजन्स. सो वो डेटा बैंक पूरा करने के लिए और सीनियर सिटीजन्स को रीच करने के लिए ये केंद्र के थ्रू 1091 हम उसके लिए भी एक्सटेंड कर रहे हैं आज.